हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अलग तरीके की और बहुत ही यूनिक तरीके की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो आज की हमारी रेसिपी स्वीट रेसिपी है। तो इस टाइम मैंगो का सीजन चल रहा है, तो हम ये रेसिपी जो आज की बनाएंगे वो बनाएंगे आम से। तो आम का सीजन है, नए नए रेसिपी आप ही ट्राई करते रहिए। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक जो है वो आम लिया था, जिसका कि पल्प हमने निकाल करके पीस लिया है। तो मैंगो का गूदा जो हमने मिक्सर में डाल करके ऐसे ही पीस लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से थोड़ा सा 3 से 4 स्पून निकाल करके जो है वो अलग रखेंगे। तो इसका जो है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। और बाकी का बचा हुआ पल्प, चलिए बनाते हैं रेसिपी को। तो पल्प को अब हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आम का सीजन चल ही रहा है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी भी बनता है और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल नए तरीके की जो है वो रेसिपी है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो है वो सूजी। तो यहाँ पे पहले मैं जो है 1 कप सूजी का यूज कर रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाकी के सूजी और भी आगे ले लूँगी। तो पहले 1 ही कप हमने लिया है और इसे अब अच्छे से फेंटेंगे। तो मैंगो के साथ इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो देखिए अभी थोड़े से ये गीले लग रहे हैं, तो मैं इसमें 1/2 कप सूजी जो है वो और ऐड कर लेती हूँ, ताकि ये थोड़े से और ड्राई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप सूजी और डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंगो की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही नई है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो अब हम इसे जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट पे रखेंगे, ताकि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और ये थोड़ा सा स्पॉन्जी भी बनेगा इस तरीके से। तो इसे ढककर के रख देते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये एकदम से ड्राई हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी जो है वो दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे अच्छे से फेंटेंगे। तो हम इसे जितना अच्छा फेंटेंगे हमारी रेसिपी उतनी ही बढ़िया बनेगी। तो पहले थोड़ा थोड़ा दूध करके ही हमें इसमें मिक्स करना है, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी तो हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे फेंटना है। तो बाकी का भी बचा हुआ दूध मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इस तरीके से हमें इसका एक गाढ़ा सा जो है वो घोल तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से गाढ़ा ये घोल हमें रखना है, इसको पतला नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 2 चम्मच जो है वो पीसी हुई चीनी। तो यहाँ पे आप चीनी का जो है वो पाउडर फॉर्म ही यूज़ करिएगा, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी जो है उस ली है, उसमें 1/2 कटोरी कुकिंग ऑयल डाला है। तो आप ऑयल कोई भी डाल सकते हैं, बस उसमें कोई फ्लेवर ना हो। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ऑयल डालने से हमारी रेसिपी अच्छी भी बनती है और बाद में हमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ भी करना पड़ता है। तो इसे डालने के बाद इसे अच्छे से फेंटना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैटर कितना सॉफ्ट और स्मूथ बन रहा है। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे 1 छोटी चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर। तो जो हम पाव बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही बेकिंग पाउडर। और इसे डालने के बाद बस हमें इसे मिक्स करना है। तो जब भी आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालें, ज़्यादा फेंटे नहीं रेसिपी को, नहीं तो वो अच्छी फूलती नहीं है। बस अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो अब चलिए, तो इसके बाद हम पैन पे जो है वो लगाएंगे थोड़ा से बटर या घी भी आप लगा सकते हैं, या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल। और गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है फ्रेंड्स। और जो हमने बैटर जो है मैंगो का तैयार किया था वो इस पे अच्छे से
फैला देंगे तो इस तरीके से, और गैस को लो ही रखना है। तो आप इसे जो है वो किसी भी ऑयल में बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा और खाने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैंगो की बहुत ही अलग सी और यूनिक रेसिपी है। तो अब हम इसे जो है वो ढक देते हैं ताकि लो फ्लेम पर अच्छे से ये पके। 2 से 3 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा लेते हैं। तो देखिए ऊपर का जो लेयर है वो सूख गया है, तो बस इसी तरीके से हमें चाहिए। और गैस का फ्लेम जो है हम लो ही रखेंगे, फिर आसानी से ये पलटा भी जाता है। तो दूसरी साइड जो है इसे हम पलट के वापस से फिर ढक देंगे। तो ऐसे ही हमें इसे सेकना है, तो लो फ्लेम पर ये अच्छे से सिक जाता है अंदर तक और कच्चा भी नहीं रहता है। और नॉन स्टिक तवे पे आप इसे बनाइएगा, बहुत ही जल्दी निकलता है। तो इस तरीके से हम इसे जो है वो सेक लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। तो मैंगो की ये बहुत ही नई और टेस्टी रेसिपी है, तो बच्चे हो या बड़े जब भी भूख लगे फटाफट आप इसे बनाइए। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मैंगो की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग तरीके की रेसिपी। तो अगर आप मैंगो लवर हैं तो आप इस तरीके से मैंगो की रेसिपी को जरूर बनाइएगा। खाने में भी टेस्टी है और बनाना भी बिल्कुल आसान। और जब भी भूख लगे आप मैंगो की नई नई रेसिपी ट्राई कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।